हेलो गाइस, स्वागत है आपका। काफ़ी मज़ेदार थ्योरी फिलहाल आ रही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने क्या देखा एवेंजर्स इन्फिनिटी वार में, जब डॉक्टर स्ट्रेंज समय में आगे जाकर 1,40,605 अलग अलग नतीजे देखता है और जिस नतीजों में एवेंजर्स हारते हैं सिवाय एक के, तो वो क्या पॉसिबिलिटी थी जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने देखा जिसमें एवेंजर्स थैनोस को हरा देते हैं एवेंजर्स एंडगेम में। तो इसी थ्योरी का ब्रेकडाउन मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। सो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो इस थ्योरी के मुताबिक वो एक पॉसिबिलिटी जिसमें एवेंजर्स जीत हासिल करते हैं वो सब निर्भर करता है एंटमैन के ऊपर, और इससे भी ज़रूरी ये है कि एंटमैन कहा था थैनोस के स्नैप के दौरान, और वो है क्वांटम रियाल्म। और ये पूरी थ्योरी एंटमैन के टाइमिंग के ऊपर डिपेंड है, जहां एंटमैन को क्वांटम रियाल्म के अंदर होना चाहिए थैनोस के स्नैप के दौरान, जहां एंटमैन क्वांटम रियाल्म में फंसा हो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी एंटमैन को टाइम वोर्टेक्स का पता लगेगा और जिससे एवेंजर्स टाइम ट्रेवल करने वाले हैं। और एंटमैन के क्वांटम रियाल्म में जाने से और थैनोस के स्नैप में बस कुछ 10-12 सेकंड्स का टाइमिंग गैप है, तो इसीलिए एंटमैन को परफेक्ट टाइम पर क्वांटम रियाल्म में जाना होगा ताकि वो क्वांटम रियाल्म में फंसा रहे। लेकिन साथ ही इस थ्योरी के मुताबिक डॉक्टर स्ट्रेंज को ये नहीं पता असल में कि और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वो नहीं देख सकता है इन सारे 1,40,605 नतीजों में, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज बस एक ही नतीजे के बारे में पूरी तरीके से जानता है, वो है जहाँ हीरोज़ की जीत होती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को क्या करना है जिससे कि ये जीत पक्की हो जाए थैनोस के अगेंस्ट। और अगर ध्यान से सोचा जाए तो बस टाइम स्टोन ही है जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज कंट्रोल कर सकता है, और इससे भी ज़रूरी है वो परफेक्ट टाइमिंग जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन थैनोस को देता है, क्योंकि एंटमैन क्वांटम रियल में बस 10-12 सेकंड्स के लिए ही जाएगा घोस्ट के लिए क्वांटम हीलिंग पार्टिकल्स कलेक्ट करने। तो अगर डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन थैनोस को जल्दी देता है तो एंटमैन क्वांटम रियल में जा ही नहीं पाएगा, और अगर लेट से देता है तो एंटमैन क्वांटम रियल से क्वांटम हीलिंग पार्टिकल्स कलेक्ट करके कब का बाहर निकल गया हो, क्योंकि अगर एंटमैन क्वांटम रियल्म के अंदर फंसता नहीं तो उसे टाइम वोर्टेक्स को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं क्वांटम रियल्म से बाहर निकलने के लिए, और टाइम ट्रेवल भी डिस्कवर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए एंटमैन क्वांटम रियल्म के अंदर फंसता है उसी एग्जैक्ट टाइम पर जिसमें उसे क्वांटम रियल्म में होना चाहिए, जब थैनोस अपना फिंगर स्नैप करे, ताकि एंटमैन टाइम वोर्टेक्स को ढूंढने में कामयाब हो और टाइम ट्रेवल का पता लगा सके। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने इन सारे नतीजों को देखा इन 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज से, ताकि डॉक्टर स्ट्रेंज को ये पता लग कि वो एग्जैक्ट सही समय कौन सा है जिसमें वो टाइम स्टोन थैनोस को दे, ताकि एंटमैन क्वांटम रियल्म के अंदर फंस जाए और टाइम वोर्टेक्स को डिस्कवर कर सके। क्योंकि ये तो साफ है कि थैनोस किसी भी तरह आज या कल एवेंजर्स को हरा ही देता और टाइम स्टोन हासिल कर लेता, क्योंकि थैनोस एक ही स्टोन से काफ़ी ताकतवर है, और जहाँ टाइम और माइंड स्टोन के अलावा उसके पास 4 इन्फिनिटी स्टोन्स ऑलरेडी है, तो वो कैसे भी सारे इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल कर ही लेता। इसीलिए टाइम ट्रेवल ही वो एक रास्ता है जिससे एवेंजर्स टाइम में पीछे जाकर थैनोस की बराबरी कर सकते हैं और थैनोस को हरा सकते हैं, और ये एंटमैन को ही होना होगा जो टाइम ट्रेवल का पता लगा और ये बात एंटमैन एंड द वास्प के एंड में ही प्रिडिक्ट कर दिया था काफ़ी फैंस ने, जहां एंटमैन इतनी बार क्वांटम रियल्म से निकलता हुआ दिखा है तो इस बार वो क्यों फंस गया, जो कहीं ना कहीं एवेंजर्स 4 के टाइम ट्रेवल से रिलेटेड होगा, क्योंकि थैनोस के पास 6 इन्फिनिटी स्टोन्स है जो उसे पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली जीव बनाता है। तो अगर ऐसे शक्तिशाली बॉडी को हराना है तो टाइम ट्रेवल ही वो रास्ता है जहां टाइम में पीछे जाकर कुछ ठीक किया जाए, जो टाइम वोर्टेक्स से किया जा सकता है एवेंजर्स एंड गेम में, जिसे एंटमैन क्वांटम रियल्म के अंदर फंसते हुए डिस्कवर करेगा। तो अगर एंटमैन क्वांटम रियल्म में फंसता नहीं तो टाइम वोर्टेक्स का पता नहीं लग पाएगा, और अगर एंटमैन क्वांटम रियल्म में फंसता है तो वो बाहर निकलने के लिए टाइम वोर्टेक्स ढूंढेगा, और इसी वजह से बचे हुए एवेंजर्स को टाइम ट्रेवल टाइम वोर्टेक्स के इस्तेमाल से करने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए टाइमिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए जिससे कि स्नैप के समय एंटमैन अंदर फंसा रहे, और यही वो एग्जैक्ट नतीजा है जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने एग्जैक्टली देखा एवेंजर्स इन्फिनिटी वार में, जहां उस परफेक्ट टाइम में वो थैनोस को टाइम स्टोन देता है ताकि सब कुछ परफेक्ट हो, एंटमैन क्वांटम रियल्म में फंसे थैनोस के स्नैप के दौरान, और टाइम वोर्टेक्स डिस्कवर्ड हो और एवेंजर्स एंड गेम में थैनोस के ऊपर हीरोज विक्ट्री पा सके। तो गाइस, ये थी वीडियो डॉक्टर स्ट्रेंज के 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज के बारे में। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट करके नीचे बताएं कि आपको ये थ्योरी कैसी लगी, और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। सो गाइस, दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।